एक्चुअली कोहली है, वो ही मैंने आपको पहले ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोहली है बॉटम हैंड प्लेयर है एक्चुअली, वो फिटनेस की वजह से अच्छा चल रहा है जो कि उसकी साथ साथ दे रही है, जो ही उसके ऊपर डिक्लाइन आएगा तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कम बैक करेगा कोहली। और आप बाबर आजम ही इज अपर हैंड लाइक अ सचिन, फ्लुएंटली उसका बल्ला जाता है, सचिन का भी बहुत अल्लाह जाता है। लोग अभी भी कहते हैं कि नहीं कोहली बेहतर है सचिन से, नहीं सचिन के वो पास भी नहीं भटकेगा, ये मेरे कमेंट्स है कि सचिन के वो पास भी नहीं भटकेगा, क्योंकि वे सचिन प्लेइंग वो अपर हैंड था। और ये टेक्निकली बहुत कम लोगों को चीजें पता है, चाहे वो कोचेज हो चाहे टीम के साथ भी लगे, मगर मैं एक अपनी मेरी एक अपनी एक राय है, क्योंकि बॉटम हैंड और अपर हैंड जो सचिन फ्लुएंटली आता था कवर ड्राइव मारना, ये मारना ऑन ड्राइव पुल कट, नो डाउट कोहली के पास भी शॉट्स है, मगर कोहली बॉटम हैंड है, ये फर्क है दोनों। तो बॉल कैन टॉक, बॉल बात करनी चाहिए आपसे, बॉल आपका कहना माननी चाहिए। बात ये है सोचने की कि आप थिंक अबाउट किया करो एवरी गेम एवरी बॉल, यू हैव टू बी थिंक अबाउट कि मैंने ये आउटस्विंग करनी है क्यों नहीं हो रही आउटस्विंग, मैंने ये इनस्विंग करनी है तो क्यों नहीं हो रही है इनस्विंग, तो मैंने वो क्या किया हुआ है कि मैं खेलता रहा हूं बैट्समैन के साथ। आप इंग्लैंड सीरीज निकाल लो, आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज निकाल लो, न्यूजीलैंड निकाल लो, आप श्रीलंका निकाल लो, अगेंस्ट इंडिया निकाल लो, मैंने अपना संगाकारा मेरे साथ खेला था अगेंस्ट कोलंबस में, वो टेस्ट में हम लोग पहले हम कैंडी टेस्ट जीते वो ड्रॉ हुआ था, मगर वो एक स्पेल ऐसा था कि लंच होने वाला था, लंच से आधा घंटा 40 मिनट पहले इंजी भाई ने बोला कि यार आसिफ आ जाओ सैन, और लंच पूरे मैंने 30 मिनट बॉलिंग की है सिंगाकारा को अवे बॉलिंग, कि मैं उसको बाहर बॉल निकालता रहा, और लंच की आखिरी बॉल मैंने उसको इनस्विंग किया, और वो पहले ही कमिट हो चुका था कि मैंने लेफ्ट करना, और वो बॉल अंदर आया उसकी बेल जुड़ गई। अब ये होता है बैट्समैन के साथ खेलना कि उसको किस वक्त आपने बॉल अंदर लेके आना किस वक्त बाहर निकालना, क्योंकि संगाकारा ये जो आज बड़े बैट्समैन होते हैं ये ऑलरेडी आपको हाथ से रीड कर रहे होते हैं कि बॉल किस तरफ जा रहा है, तो इस तरह के स्पेल तो काफी है मेरे कि बैट्समैन को मैंने कई दफा के साथ खेला हुआ हूँ। एक्चुअली मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, मैं बैट्समैन के साथ खेलता था। टेक्निकली जो स्ट्रॉन्ग था वो मुझे लक्ष्मण और वो राहुल ड्रेवर, टेक्निकली ही वाज रियली स्ट्रॉन्ग, वो जो बॉलें स्विंग हुई थी जिस तरह से एयर में बाहर निकल रहा पढ़ के अंदर आया, तो वो मेरा एक मेमोरेबल वो था टेस्ट मैच। और उसके बाद में भी मैंने की बॉलें, ये नहीं है, मगर वो लोग कह रहे थे कि वो पत्थर से पढ़ के बॉल लग के इधर को आ गया इधर को हो गया, वो ऐसा नहीं था, वो बॉलें बाद में भी मैंने की है, ये नहीं था कि वो बाद में नहीं की, और रिपीट हुई है बॉलें एवरी गेम एवरी टेस्ट मैच में मैंने रिपीट की है कि बैट्समैन को खिलाना कैसे। और मैं क्रिकेट तो खेलता था एक्चुअली मैं दिल से बैट्समैन के साथ खेलता था कि इसको अब ये पक्का हो गया इनस्विंग पे, अब इसको आउटस्विंग पे लेके जाऊं, अब इसको किस वक्त मैंने इनस्विंग करनी है, तो वो मुझे पता था। अब सुहाग का मुझे पता था कि इसकी बाजू नहीं खुलने देना, क्योंकि वो कट और पुल अच्छी मारता तो उसका बाजू खुलने नहीं देना, उसको रखना ही यूं है, यूं रखोगे कोई भी बैट्समैन को तो आप वो ऑब्वियसली थोड़ा सा भी स्विंग, इतना 3 इंच स्विंग काफी होता है, बजाय कि आप 1-1 फुट स्विंग करो, आई थिंक 3 इंच स्विंग ही काफी होता है। मगर उसमें एक बॉल ऐसा हुआ है जो कि बॉल ऑफ द सेंचुरी भी हुआ है, जो लक्ष्मण को बॉल हुआ है कि वो तो फुट के लिहाज से स्विंग हो गया, और उसमें आप देखो टेक्निकली बैट्समैन बहुत स्ट्रांग थे, राहुल और लक्ष्मण, मगर आप उसमें देखेंगे कितना गैप बना, और वो उस मैच से ही एक्सपोज होना शुरू हो गया था कि इनका भी गैप बनता है। मेरी एक डिफरेंट क्लास थी, वो मैं अपनी क्लास में ही रहा, मैं उससे बाहर नहीं निकला, कि बजाय कि मैं तेज बॉलिंग करूं अर्ली ऑन मैं बहुत तेज था, मगर जब आपके पास स्विंग आ जाती है आप स्विंग से ही आउट कर लेते हो तो क्यों इतनी तेज भाग के आओ, तो वो मुझे 2005 में रियलाइज हो गया कि इतना तेज भाग के आने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरी इसमें ही कमाल है, यूं करो तो अंदर आ गया यूं करो तो बाहर निकल गया, तो वो उसमें मैंने फिर ऐसी महारत की कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने दुनिया के जो बेस्ट बैट्समैन है ना वो आउट किए।
और सबसे मुश्किल क्या होता था मुझे, टेल एंडर आउट करना, जो कि सबके लिए इजी है टेल एंडर को आउट करना, तो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता था कि टेल एंडर को मैं कैसे आउट करूं, क्योंकि मैं ऊपर से ही आउट कर लेता था चार पांच, तो फिर मेरे वो दिलचस्पी नहीं रहती थी कि यार छोड़ो इनको बाकी कर लेंगे, बाकी भी तो खेल रहे हैं ना। इंजी भाई और यूसुफ भाई उस वक्त पीक पे चल रहे होते थे, यूनुस खान भी पीक पे थे, और मुझे प्रैक्टिस में ये नया बॉल नहीं देते थे कि नहीं यार तुमसे नया बॉल किया तो ये इनका वो क्या होता था, दो आउट स्विंग हुई तीसरा अंदर आया और वो लगता था जाके पेट में या गार्ड पे, तो ये वो अनकंफर्टेबल होते थे मुझे प्रैक्टिस में भी, तो ये मुझे प्रैक्टिस में पुराना बॉल देते थे कि नहीं यार हमें वो मिडल होना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें तुम तो हमारा कॉन्फिडेंस शेक कर रहे थे। तो ये चीजें हैं उस वक्त, नो डाउट इंजी भाई ग्रेट बैट्समैन, एज ए बैट्समैन उनको मैं हाईली रेट करता हूँ, यूसुफ भाई को भी हाईली रेट करता हूँ, मगर मुझे एक मजा आता था ऐसे बैट्समैन को खेलने, सामने आपके पास बड़ा चैलेंज हो तो आई फील के फील प्राउड के यार मैं बॉलिंग कर रहा हूँ और उनको मैं नचा रहा हूँ लाइक दैट।